सिवान मंडलकारा में बंद एक कैदी की सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में हुई मौत। परिजनों ने किया जमकर हंगामा, रोड जाम कर किया आगजनी। बता दें कि जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के गुलर बग्गा गांव निवासी वाल्मीकि यादव को पुलिस ने 12 जुलाई को शराब मामले में गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था। बीते दिन उसका तबीयत खराब हो गया था, जिसके बाद उसे सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के क्रम में बीती रात को उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद आज परिजन सिवान के सदर अस्पताल में पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा किया। वहीं बता दें कि सड़क पर आगजनी कर सड़क भी जाम कर दिया है। बता दें कि परिजनों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की है, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है। पुलिस के साथ आज हाथापाई भी परिजन का हुआ। पुलिस स्थिति संभालने के लिए राइफल भी तानी थी। वहीं बता दें कि परिजन स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजन स्वास्थ्य विभाग के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनका सही से इलाज नहीं किया गया है। 3 बच्चे हैं, उनको कौन खर्चा चलाएगा, कौन उनको खिलाएगा, दूसरा हम क्या कह सकते हैं। इलाज के अभाव में और पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। इलाज के अभाव में पुलिस की पिटाई से, बोले कि हमको हल्का फुल्का जार सीरी हुआ है, हमको ले चलो। अतरही अभी तुम्हारा तबीयत कोई खराब नहीं है। जब हल्का इनका कल होश था ना, तो हम सब बोल रहे थे। पुलिस द्वारा कब सूचना दिया गया है? इनका मम्मी भेंट करने आई थी परसों हो, तो भेंट नहीं होने दिया। जाओ जाओ, तुम्हारा लड़का सही है। तो ये बोले कि मम्मी थोड़ा सा हमको तबीयत खराब है, ये लोग दवा नहीं दे रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, हमको विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद चले गए, बेगर बताए 2 बार आए, ट्रीटमेंट करा कर लेकर चल गए उसके बाद जेल पर। वहाँ पर हाथ बांध कर बेरहमी से इनको पीटा गया, आँख तक कान तक कहीं नहीं बख्शा गया। अभी आप लोगों को कैसे जानकारी हुआ, किसके द्वारा? हमें रात में जानकारी हुआ, रात में कोई आदमी बोला कि तुम्हारा लड़का बीमार है, यहाँ पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, उसको जेल में लाया गया है, प्रशासन उसको बहुत मारा है। प्रशासन द्वारा सूचना नहीं दी गई अभी तक? ना, प्रशासन द्वारा कुछ सूचना नहीं दिया गया है। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ है? कुछ नहीं किया, मारा भी नहीं है, हमको ही लोग मार रहे हैं। कुछ नहीं।